नमस्कार, न्यूज क्लिप में आपका स्वागत है। आज हम फिर चर्चा करेंगे अपने विज्ञान की इस शो पे कि कोविड 19 की इस वक्त हमारे देश पे क्या हाल है, और इसलिए इसके ऊपर बात करने के लिए हमारे साथ प्रोफेसर सत्यजीत रथ है, जो हमारे साथ कोविड के बारे में लगातार चर्चा करे आ रहे हैं। सत्यजीत, इस वक्त हमने दो दिन लगातार दुनिया की रिकॉर्ड तोड़ी है, इतनी बड़े पैमाने पे लोग बीमार है कोविड 19 से, नए इन्फेक्शन डेली जो है ये रिकॉर्ड अभी हमने हासिल कर ली लगातार, और अभी भी रफ्तार जो है बहुत कम नहीं होने को दिख रहा है। लगता है कि इसी अभी भी इस महामारी की जिस नंबर्स है उसको फ्लैटन होने में अभी भी थोड़ी देर है। तो क्या लगता है कि इसमें, खैर कोई भविष्यवाणी तो कोई कर ही नहीं सकते इसमें, पर जिस रफ्तार से चल रहा है लगता है कि, आपको क्या लगता है, अभी भी कुछ देखनी पड़ेगी जिसके पहले हम कह सकते हैं कि कुछ फ्लैटनिंग ऑफ द कर्व जो बात करते हो सकती है? जी, दो बातें मैं कहना चाहूंगा इस वक्त। एक बात तो ये है कि जैसा आप कह रहे हैं प्रवीर, आंकड़े बता रहे हैं कि दिन ब दिन 5-10% से बढ़त हो रही है बीमार लोगों के आंकड़ों में, नए बीमार लोगों के आंकड़ों में। तो इसमें कोई कमी आने के आसार तो अभी तक दिखाई नहीं दे रहे। तो साफ है कि आते चंद दिनों में ये जो महामारी की लहर आई हुई है ये मिट जाएगी, ये मानना तो फजूल है। कुछ हफ्तों तक ये स्थिति रहेगी ही रहेगी। अब आप जो लोग प्रारूप बना रहे हैं, मॉडल बना रहे हैं, उनसे बात करो तो उनके गणितों से भी ये साफ दिखाई देता है कि और 2-3 हफ्तों तक तो ये परिस्थिति जारी रहेगी। उसके बाद में मॉडल के बारे में, मॉडल के बारे में आपको थोड़ा इंटरप्ट कर रहा हूँ मैं। मॉडल के बारे में मैं पहले भी इस बात की चर्चा कर चुका हूँ, और बहुत सारे मॉडलिंग एक्सपर्ट से बात करने के बाद ये निकल के आती है कि कोई मॉडलिंग 1-2 हफ्ते से ज़्यादा सफल होती नहीं है, क्योंकि इसकी रफ्तार क्या होगा कोई बता नहीं सकता। तो पिछले 1 हफ्ता देख के आप अगले हफ्ते का अनुमान लगा सकते हैं, 10 दिन का अनुमान लगा सकते हैं, इससे ज़्यादा चलना मुश्किल है। तो ये वो बुनियादी बात है जो सरकार स्वीकार नहीं कर रही थी, इसीलिए कह रही थी कि फरवरी तक सब कुछ खत्म हो जाएगा, और खुलेआम डिक्लेयर कर दिया था अब तो हम कोविड मुक्त हो गए हैं। उसकी सब जाहिर है कि ये सही नहीं था, और अब जो हो रहा है पिछले लहर से कई गुना, अब हम ज्यादा लहर में पहुंच चुके। तो बिल्कुल सही कह रहे हैं, और मुझे लगता है कि मई के अंत तक दिन लगेंगे हमें बहुत कुछ परिस्थिति में सुधार होने के लिए। तो ये हुई एक बात, लेकिन मैं दूसरी एक बात सामने रखना चाह रहा हूँ, और वो ये है कि आपने कहा कि हमने दुनिया का रिकॉर्ड तोड़ा है। एक तरीके से तो बात बिल्कुल सही कही आपने कि सिर्फ बीमार लोगों के, उस दिन के बीमार लोगों के आंकड़े देखे तो अब 3.25 लाख से ज्यादा लोग पिछले 24 घंटों में बीमार हुए हैं कोविड-19 से, तो ये रिकॉर्ड की बात है। लेकिन अगर कितने लोग हर 1 लाख जनसंख्या में से बीमार हुए हैं, इस प्रमाण को देखें, इस मात्रा को देखें, तो आज भारत और अमेरिका में कोई बहुत ज्यादा फर्क नहीं है। अमेरिका का केसेस का परसेंटेज अगर देखें बतौर आबादी के, तो उस आंकड़े में आज की तारीख में और हिंदुस्तान के आंकड़े में बहुत ज्यादा फर्क है नहीं, और यह पहली बार हुआ है।
पिछले साल भर में हमारा आंकड़ा बतौर परसेंटेज के कम रहा हुआ है। आज की तारीख में हम अमेरिका के बराबर चल रहे हैं। फिर भी आज हमारे साथ युद्धजन्य परिस्थिति है, जिसे सब लोग कह रहे हैं, और अमेरिका अपने अपनी परिस्थिति को अच्छी परिस्थिति सोच रही है। हमने विचार करना चाहिए कि ये फर्क क्यों। यही वो फर्क इसलिए है कि हमारी स्वास्थ्य व्यवस्था बिल्कुल ही अपर्याप्त है, बिल्कुल ही कम पड़ रही है, और ये आज का सबक हमने अपनाना चाहिए। यही बड़ा दूसरा सवाल आपके लिए था कि इस वक्त जो हम क्राइसिस देख रहे हैं, कितने लोग बीमार हो रहे हैं, ये हमारी क्राइसिस नहीं है। क्राइसिस ये है कि सीरियस केसेस को अस्पताल ले जाना, ऑक्सीजन देना, आईसीयू की व्यवस्था रखना, वेंटिलेटर्स का प्रबंध होना, ये क्राइसिस होता है। क्योंकि जब ये हॉस्पिटल सिस्टम कोलैप्स की ओर जाता है, तभी कोविड की डेथ्स, मृतकों की संख्या बढ़ती है। और इस वक्त आप देख सकते हैं दिल्ली शहर में, जो कैपिटल है, इसमें अस्पताल के बाद अस्पताल टेलीविजन में लगातार 3 दिन घोषणा करे जा रहे हैं, हमारे पास 2 घंटा, 3 घंटा, 1 घंटे की ऑक्सीजन है। आज भी वही स्थिति जारी है। और ये प्रबंध एक दिन में नहीं हो सकता। इसका मतलब है कि आपको जब पहला लहर जब आपको देखने को मिला था, तब आपको तैयारी करनी चाहिए थी कि ऑक्सीजन का और अस्पताल सिस्टम का, इंटेंसिव केयर यूनिट्स को कैसे हम इसका एक बुनियाद बनाए जो कि अगला लहर को फेस कर पाए। और वही हमारे सबसे बड़ी खामी रही है कि जब पहला लहर खत्म हो गया, हमने युद्ध जीत लिया है घोषणा कर दी, और जीत के बाद हम दुनिया को कैसे वैक्सीन दे सकते हैं, देश में कैसे वैक्सीन दे सकते हैं 1 साल 2 साल में, इसकी परिकल्पना कर रहे थे, जो कि खोखला निकला। हमारा बुनियाद जो आप कह रहे हैं, व्यवस्था, हेल्थ व्यवस्था, बुनियाद खोखला निकला। बिल्कुल सही है। और ये बात मैं पूरे जोर शोर से कहना चाहूंगा कि समस्या ये नहीं है कि हमारी कोविड-19 की अभी जिसे लहर कह रहे हैं वो दुनिया में अभूतपूर्व है, ऐसी बात नहीं है। अब बात यह है कि हमारी स्वास्थ्य व्यवस्था पर्याप्त रही है, और पिछला साल भर हाथ में होने के बावजूद हमने, यूं लग रहा है कि कोई प्रावधान, कोई व्यवस्था, कोई योजना, कोई ठोस कदम नहीं उठाए कि जिस घटना की संभावना है कि दोबारा कोविड-19 का चलन होने लगे देश में, तो उसके लिए जो प्रावधान होने चाहिए, उसके लिए जो ठोस कदम उठाने चाहिए, उसके लिए जो अस्पतालों की व्यवस्था होनी चाहिए, उसके लिए जो ऑक्सीजन की व्यवस्था होनी चाहिए, उसके लिए जो स्वास्थ्य कर्मियों की व्यवस्था होनी चाहिए, प्रबीर इसे हम ना भूलें कि सिर्फ इमारतों से और पलंगों से अस्पताल नहीं बनते। अस्पताल न सिर्फ डॉक्टरों से बनते हैं, अस्पताल नर्सों से बनते हैं, अस्पताल तंत्रज्ञों से बनते हैं, अस्पताल सफाई कर्मचारियों से बनते हैं। उन सब के एम्प्लॉयमेंट के प्रावधान होने चाहिए थे। इसमें से पिछले साल भर का समय हाथ में होने के बावजूद लगता है हमने इस संभावना को गंभीरता से नहीं लिया, हमने मतलब बतौर एक देश ने, एक देश की सरकार ने, और उसका उसके लिए कोई व्यवस्था नहीं जुटाई। अब आप जानते ही हैं, नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट इस वक्त लागू है। ये सब सरकार, केंद्र सरकार की पास इमरजेंसी पावर्स है, और ये स्टेट गवर्नमेंट्स की भी पावर्स उन्होंने ले लिया है इस वक्त, इस इमरजेंसी के तहत, इस इमरजेंसी को हैंडल करने के लिए। तो सरकार के पास पावर्स तो थे, जैसे कहते हैं इमरजेंसी पावर्स थे, पर इसकी इस्तेमाल लगता है बिजनेस एज यूजुअल मोड पे चला गया। और 1-3 महीने के बाद, पिछले बार की लहर की मैं बात कर रहा हूँ, इसके बाद जो मॉडल की आपने बात कही, DST की सुपर मॉडल, लोगों ने कहा सेरो पॉजिटिविटी सर्वे करके देखा कि 50% शायद
हर्ड इम्यूनिटी तक पहुंच गए हम बहुत जगहों पे, ये पूरा जो भ्रम था लगता है खुद की प्रोपेगेंडा सरकार ने विश्वास कर लिया। मैं तीसरी बात पे आपके पास आना चाहता, अभी शहरों की ये हाल हम देख रहे हैं, बड़े शहरों का, मुंबई, दिल्ली, जो स्टेट कैपिटल्स है, लखनऊ, इनकी हम बात कर रहे हैं, पर जो छोटे शहर और गांव में जो स्थिति है वो तो हमारे नज़र में इस वक्त अच्छी तरह है ही नहीं, क्योंकि वहां पर हालत और भी बुरे है, और ये खास तौर से छोटे शहरों की जो हालात अभी देखने को मिल रहा है, कहीं ऑक्सीजन खत्म हो गया, टंकी की लीक हो रही है, आग लग रही है, तो साफ है कि वो प्रेशर जो यहाँ पर है उससे शायद और भी ज्यादा दूसरे जगहों पे है, और वहां पर शायद उनको आईसीयू अस्पताल तक पहुंचने की सुविधा भी नहीं है, और ये इस फेज में इस जो हमारे इस लहर इस वक्त चल रही है, इस पर खासियत रही है कि जो पहले कॉन्सेंट्रेटेड पॉकेट्स थे जहां पर कोविड 19 देखने को मिल रहा था, इस वक्त काफी बड़े पैमाने पे डिस्ट्रीब्यूटेड है, ये काफी बड़े इलाकों में हर तबकों के बीच में कोविड 19 के केसेस मिल रहे हैं, और इसीलिए इसको इसको रोकना इतना आसान नहीं होगा जो पहले का था, क्योंकि काफी ये फैल चुका है। आप देख सकते हैं आंकड़े जो हमारे न्यूज़क्लिक के कोविड चार्ट्स है उसमें देख सकते हैं, हर प्रदेश में आंकड़े काफी तेजी से बढ़ रहे हैं। सिर्फ उतनी बात नहीं है प्रवीर, मैं आपकी बात को और थोड़ा आगे बढ़ाना चाहूंगा, वो इस दिशा में कि हर एक प्रदेश में, हर एक इलाके में, हर एक जनपद में जहां आंकड़े बढ़ रहे हैं, वो सब एक ही रफ्तार से नहीं बढ़ रहे, अलग अलग रफ्तारों से बढ़ रहे हैं। कोई ऊपर तक पहुंचा है, जैसे कि जहां मैं बैठा हूं पुणे में, वहां लगभग लग रहा है कि पिछले 7-8 दिनों में बढ़त रुक गई है, बल्कि लेकिन कम होना शुरू नहीं हुआ अभी तक, लेकिन कई और जनपद जिले हैं जहां पे बढ़त अभी भी जारी है, और कहां किस रफ्तार से महामारी का छोटा छोटा उद्रेक होते जाएगा, ये इतनी आसानी से भविष्यवाणी से बताने वाली बात है नहीं। तो इसलिए देश की व्यवस्था में जब मैं कहता हूं कि लगी प्यास और चले कुआं खोदने, तो ये एक हो रहा है देश की सतह पर, लेकिन जब छोटे छोटे इलाकों का नियोजन देखने लगो तो यूं कहो कि लगी आग और चले बाल्टी लेके उसके पीछे दौड़ने। अगर पहले प्रावधान करते तो ये नौबत ना आती। और एक बात जो इस वक्त चल रही है कुछ हद तक क्या कहेंगे टालने के लिए कि हमारी प्रॉब्लम नहीं है, ये तो यूं ही हो गया, वो चला है वेरिएंट्स की, ये तो वायरस वेरिएंट्स नए निकले, तो हमारे पास वैज्ञानिक जो बैठे हुए हैं वो तो सलाह देते रहे हैं, तो उनको मालूम है कि वायरस बदलती है और वायरस बदल रही है, इसकी सबूत भी हमको बहुत पहले से मिल रहा था, हिंदुस्तान में भी मिल रहा था और दूसरे जगहों से भी मिल रहा था, और ये भी जाहिर है कि वायरस बदलेगा नहीं, ये तो हो ही नहीं सकता, तो इसीलिए वेरिएंट्स की जो बातें हो रही है कि ये हम कैसे समझेंगे, हमें समझ में नहीं आया कि वायरस बदल जाएगा, ये भी पूरी सरासर मैं समझता हूँ कि वैज्ञानिक रूप से गलत है, ये तो सिर्फ अपने ऊपर जो आने वाली बात है उसको टालने के लिए कहा जा रहा है, क्योंकि वेरिएंट से इतनी रफ्तार पकड़ी है इसकी भी कोई सबूत नहीं है, और अगर होता भी तो वेरिएंट्स कभी होगा नहीं ऐसे, ये कल्पना करना ये भी गलत, खास तौर से जब जगह जगह पे वेरिएंट्स की बात तो आ ही रही थी, और एक कन्वर्जेंट एवोल्यूशन की जो हम कहते हैं स्पाइक प्रोटीन है, वहीं पर सबसे ज्यादा एवोल्यूशनरी कन्वर्जेंस भी देखने को मिल रही थी, तो ये तो बात जमती नहीं है कि वेरिएंट्स के वजह से हुआ। तो तीन बातें इस विषय पर कहना चाहूंगा, पहली बात तो ये है कि वेरिएंट्स निर्माण होंगे ही,
ये कोई सिर्फ सिद्धांत की बात नहीं है। पिछले नवंबर से दुनिया भर में कोविड 19 को लेकर सबूत सामने हैं कि ज्यादा आसानी से इंसानी कोशिकाओं से चिपकने वाले वायरस के वेरिएंट्स, वायरस की अलग अलग नस्लें दुनिया में कई जगह उभर आ रही हैं। तो यूं बात नहीं है कि यह सिर्फ सिद्धांत की सतह पर है लेकिन सच्चाई में इसका कोई सबूत नहीं था, यह भी बात नहीं है। यह हुआ पहला मुद्दा। दूसरा मुद्दा यह कि तभी से बात सामने थी कि वेरिएंट्स को लेकर सतर्क रहें। अब सतर्क रहें का मतलब क्या है? वेरिएंट्स को पहचानने के लिए वायरस सैंपल्स की सीक्वेंसिंग होनी चाहिए, उसकी पूरी श्रृंखला ज्ञात होनी चाहिए, उसके लिए पैसे जुटाने चाहिए, संसाधन जुटाने चाहिए और एक व्यवस्था जुटानी चाहिए कि कितने सैंपल्स कहां कहां से इकट्ठे करके कितनी जल्दी सीक्वेंसिंग उनका हो सके। इसके लिए जो प्रावधान करना चाहिए था वो अभी तक सही तरीके से सही मात्रा में हो नहीं रहा, अभी अभी उसके कुछ कुछ नतीजे निकलने लगे हैं। यह हुआ दूसरा मुद्दा। तीसरा मुद्दा इसी से आगे जाता है और वो ये है कि हमारे सामने आज ये चित्र है कि महाराष्ट्र में एक तरीके का वेरिएंट कुछ ब कुछ ज्यादा पैमाने पर दिखाई दे रहा है, पंजाब में दूसरे तरीके का वेरिएंट कुछ प्रमाण में दिखाई दे रहा है, बंगाल में एक तीसरे तरीके का वेरिएंट और वो कुछ ब कुछ आंकड़ों में दिखाई दे रहा है। तो इससे दो बातें साफ होती है, एक तो ये है कि हमें अच्छे सुनिश्चित आंकड़े नहीं मालूम कि वेरिएंट्स फैलाव के लिए कितना अपना योगदान दे रहे हैं और फैलाव की जो रफ्तार है वो गैर वेरिएंट कारणों से कितनी है। और दूसरा मुद्दा ये कि सारे देश की एक लहर नहीं है कोविड 19 की, अलग अलग जगहों में अलग अलग नस्लें वायरस की अपने अपने तरीके से अपने अपने रफ्तारों से उभर आ रही। और एक बात कि जब शुरू हुआ था, हालांकि अब तो थोड़ा सा पोस्टमार्टम लगता है जिस जो गंभीरता इस वक्त है इस लहर को लेके, कि शुरू हुआ था कि ये तो कुछ प्रदेशों ने ठीक से वैक्सीनेट नहीं किया, गलत कह रहे हैं, वैक्सीन लोगों की जो लोगों की जो एक कोविड 19 फटीग हो गया है, लोग थक गए हैं और ये लापरवाही लोगों पे वो थोपने की कोशिश हुई थी। जबकि हमने राष्ट्र के तौर पे हमने कहा इलेक्शन हो सकता है 5 राज्यों में, एक प्रांत में तो 8 अलग अलग हिस्से में, कि लंबा 2 महीना इलेक्शन चलेगा उसकी भी सिद्धांत ले लिया, शायद लगा था कि वहां पर प्रधानमंत्री बार बार जाएंगे तो शायद वोट अच्छा मिलेगा, तो अलग अलग किस्म की कैलकुलेशन, कुंभ मेला जो अगले साल होना था इस साल की कुछ गणित देख के उन्होंने तय कर लिया कि इस साल करना है वो ज्यादा सही रहेगा, तो करके हमने हर तरह से सरकार के तरफ से तो सिग्नल दे दिया था कि सब कुछ ठीक है, नॉर्मल सी हो गई है, अब चिंता भी नहीं है, और सरकारी मॉडल को कोट करके लोगों ने बार बार कहा कि फरवरी तक सब खत्म हो जाएगा। अब इसके बाद कहना, लोगों को दोष देना, ये तो मुझे बहुत अजीब लगता है, खास तौर से जब सरकार की ओर से, मिनिस्टरों की ओर से दी जाती है, ये लगता है कि एक तरफ से अपनी जो जिम्मेदारी है इसे भागना, खास तौर से जब अपनी इतनी सख्त कानून अपने हाथ में ले रखा है, मैंने जो पहले ही कहा डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट, तो इस पे क्या ये क्या तस्वीर जो हमारे निकलते हैं इससे, एक सरकार का और एक कदम लगता है कि एक लापरवाही की नहीं है इसमें। एक बात पहले ही कहें कि क्या बतौर समाज के हम लोग लापरवाह रहे हैं? बिल्कुल रहे हैं, मान लिया, लेकिन उसके आगे का व्यवस्था का जो सवाल उठता है वो भी जायज और लाजमी है, और वो ये है कि
कि हमें ऐसे बनने पर उकताया किसने? सरकार ने। कैसे? हम पिछले साल भर अपनी भुजाएं थपथपा रहे हैं और कई तरीकों से भुजाएं थपथपा रहे हैं। एक ये कह के कि हिंदुस्तानी लोगों का आनुवंशिक प्रारूप ही कुछ अलग है कि हमें इस बीमारी से निबटना आता है, हमारा पर्यावरण ही कुछ अलग है कि इसलिए ये बीमारी हिंदुस्तान में बहुत ज्यादा फैल नहीं सकती, हम इस तरीके से उसमें से बाहर निकले हैं, जैसे कि आपने कहा कि प्रारूप मॉडल वॉडल बना के ये तय कर दिया कि अब तो हम हर्ड इम्यूनिटी तक पहुंच ही गए। और इन सब तरीकों से एक जिसे संकुचित देशीवाद कहें कि हम किसी तरीके से अनन्य साधारण रूप से अलग हैं बाकी दुनिया से, ऐसा चित्र बनाने में इस सरकार की भी तो बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। तो ये मैं नहीं कहूंगा कि कुंभ मेले में कोविड-19 बहुत फैलता है, ये मैं नहीं कहूंगा कि चुनाव के रैलियों में कोविड-19 बहुत फैलता है, उसके लिए सबूत चाहिए। अब हम जहां परीक्षा ही नहीं कर रहे हैं तो सभी सबूत कहां से आएंगे भला। लेकिन ये मैं जरूर कहूंगा कि जब हम कहते हैं कि ये सब होना चाहिए, कुंभ मेला होना चाहिए, चुनाव बड़े पूरे जोर शोर से होने चाहिए, तब ये जो संदेश हम देते हैं वो पहले वाले इसी संदेश के साथ सुसंगत है कि हम दुनिया से अलग हैं, ये बीमारी हमें बहुत ज्यादा छुएगी नहीं। इस भूमिकाओं का नतीजा हम आज भुगत रहे हैं। धन्यवाद सत्यजीत, कुछ कटु तथ्य बताने के लिए, क्योंकि हकीकत तो ये है इस वक्त कि डॉक्टर्स पे विश्वास करना पड़ेगा और अस्पताल सिस्टम पे विश्वास करना पड़ेगा, विज्ञान पे विश्वास करना पड़ेगा, विज्ञान पे विश्वास करना पड़ेगा। और मत भूलिएगा कि सब डॉक्टर्स कितना विज्ञान वैज्ञानिक दृष्टिकोण अपनाते हैं, ये भी एक सवाल हो जाता है, पर विज्ञान पे निर्भर करना पड़ेगा। और सिस्टम, सबसे आपने जो बात कही कि पब्लिक हेल्थ सिस्टम जो है उस पर विश्वास करना पड़ेगा, क्योंकि उसके बिना इस सीरियस के सीरियस क्राइसिस को मुकाबला करना इसके अलावा इस संभव नहीं है, यही असली बात है। और इस वक्त सबसे बड़ी दवाई जो है हमारी है इस वक्त ऑक्सीजन है, और उसका पर्याप्त मात्रा में अस्पतालों में पहुंचाना, ये सबसे बड़ा संकट इस वक्त हमारे सामने है। हेल्थ संकट इस वक्त लगता है कि अगले एक हफ्ता ऑक्सीजन के संकट रहेगा। धन्यवाद सत्यजीत हमारे साथ होने के लिए, इतने विस्तार से इतनी विषयों पर बात करने के लिए, और हमारे दर्शकों को बताने के लिए कि क्या क्या वो क्या सही है क्या सही नहीं है, किस रास्ते पे चलना चाहिए, और सामूहिक रूप में एक समाज के तौर पे हमें क्या करना चाहिए। आज के लिए इतना ही, देखते रहिएगा न्यूज क्लिक और हमारी वेबसाइट और यूट्यूब चैनल भी देखिए। Thank you.